सो गाइस वेलकम करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टेकवॉक पे। आज हम बहुत ही बेहतरीन वॉचेस का कंपैरिजन करेंगे। एक तरफ है नॉइस कलर फिट अल्ट्रा जो कि अभी सेल पे जाने वाली है, अभी एग्जैक्टली कंपनी ने रिवील नहीं किया कि कब जाएगी सेल पे। और रेडमी की बात करें तो ये ऑलरेडी सेल पे जा चुकी है, रिलीज हो चुकी है और ये 4000 के प्राइस ब्रैकेट में GPS फंक्शन के साथ आपको मिलती है। तो दोनों का ही जो प्राइस है मेरे ख्याल से सेम रहेगा। अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे कलर फिट अल्ट्रा का जो प्राइस होने वाला है 3500 या मतलब 4000 या 4500 तक हो सकता है, एग्जैक्टली पता नहीं है, बट अगर 4000 से कम ही हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और रेडमी आपको ऑलरेडी 4000 रुपये में मिलती है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा ताकि आपकी सारी की सारी जो क्वेरीज है वो रिजॉल्व हो सके। सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले के मामले में अल्ट्रा बहुत ही आगे निकल जाती है। 1.75 इंचेस की ह्यूज डिस्प्ले मिलती है ट्रू व्यू के साथ और साथ में यहाँ पे जो रिजोल्यूशन है वो भी ज्यादा है 320x380 पिक्सल्स का। रेडमी की अगर मैं बात करूं 1.4 इंचेस की TFT कलर डिस्प्ले मिलती है, 320x320 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन मिलता है आपको। रेस्ट वे दोनों मिल जाता है बट ऑलवेज ऑन का फीचर आपको नहीं मिलता है, बट मे बी अल्ट्रा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ आए। आगे बात करते हैं 2.5D कर्व ग्लास यूज़ किया गया है और टेम्पर प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है दोनों ही वॉचेस में। यहाँ पे 400 पर पिक्सल डेंसिटी मिलती है अल्ट्रा में जो कि टेक्स्ट की शार्पनेस को और ज़्यादा बेटर बना देती है। रेडमी में आपको 323 पर पिक्सल डेंसिटी मिलती है जो कि इसकी डिस्प्ले के हिसाब से बेटर है। आगे बात करें जो पीक ब्राइटनेस है वो भी दोनों की सिमिलर ही परफॉर्म करती है। यहाँ पे अल्ट्रा में 500 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है तो रेडमी में आपको 480 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है। तो यहाँ पे डिस्प्ले क्वालिटी दोनों की अमेजिंग है और यहाँ पे जो ब्राइटनेस लेवल है दोनों के ही अमेजिंग है, बट यहाँ पे मेरे को अगर चूज करना हो दोनों में से एक तो मैं अल्ट्रा की तरफ जाऊँगा। कलर फिट अल्ट्रा बेटर है डिस्प्ले के मामले में, बेजल्स बहुत कम है और ऑलमोस्ट यहाँ पे एक प्रीमियम फील देती है। बात करें वॉच फेस एंड सपोर्ट के बारे में तो यहाँ पे दोनों में आपको अच्छे खासे क्लाउड बेस्ड वॉच फेस मिलते हैं। अल्ट्रा की बात करूँ तो हंड्रेड्स ऑफ क्लाउड बेस्ड वॉच फेस मिल जाते हैं आपको और रेडमी में 200 से भी ज़्यादा क्लाउड बेस्ड वॉच फेस मिल जाते हैं और गैलरी में से कोई भी इमेज को एज अ वॉच फेस आप दोनों ही वॉचेस में लगा सकते हो। तो ये बेसिक फीचर दोनों में ही आपको मिल जाता है। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहाँ पे फिटनेस मोड्स के बारे में बात करेंगे। अल्ट्रा में आपको 60 अमेजिंग 60 स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं और रेडमी में आपको सिर्फ 11 ही स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं। IP68 वाटर रेजिस्टेंट आपको मिल जाती है दोनों ही वॉचेस। 50 मीटर तक आप समर्स कर सकते हो अप टू 30 मिनट्स तक, तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे स्विमिंग मोड आपको डेडिकेटेड मिल जाता है दोनों ही वॉचेस में। उसी के साथ साथ कंसिस्टेंट स्टेप्स काउंटिंग स्पोर्ट्स मोड का एडवांटेज मिल जाता है, बट रेडमी में आपको ज्यादा एक्यूरेट स्टेप्स काउंटिंग मिलने वाला है और स्पोर्ट्स मोड एक्टिविटीज का ऑप्शन मिलता है क्योंकि रेडमी आपका बायोट्रैकर 2PPG के साथ आती है जो कि Amazfit की वॉचेस में होता है और अल्ट्रा में भी आपको एक्यूरेसी लेवल बेटर है क्योंकि यहाँ पे डेडिकेटेड सेंसर दिया गया है SP2 लेवल और HR मॉनिटर का। तो ये अच्छी बात है, दोनों की एक्यूरेसी लेवल अप्रॉक्सीमेटली 90% तक चली जाती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। जितने भी इंपॉर्टेंट सेंसर है दोनों में ही अवेलेबल है। रेडमी में 3x एक्सेलोमीटर जायस्कोप सेंसर और ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर मिलता है, अल्ट्रा में आपको एक्सेलोमीटर जायस्कोप सेंसर और ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर मिल जाता है। उसी के साथ साथ थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे स्मार्ट नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सकते हो बट आप रिप्लाई बैक नहीं कर सकते एज ऑफ नाउ, बट मे बी प्री रिकॉर्डेड रिप्लाई बैक आ सकता है अल्ट्रा में। अभी एज ऑफ नाउ मैं श्योर नहीं हूँ, जब रिलीज होगी मैं डेफिनेटली इसका एक अनबॉक्सिंग वीडियो और साथ में डीप डाउन रिव्यू भी आप सभी के लिए लेके आऊँगा। उसी के साथ साथ फुल टच डिस्प्ले मिलता है दोनों का, स्मूथ है, यहाँ पे कोई स्टटर लैग आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। और यहाँ पे मेरे को पर्सनली रेडमी का जो UI है ज़्यादा पसंद आया क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर डायल आपको मिलता है, स्क्वायर आपको जो आइकन है वो मिलते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। उसी के साथ साथ अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, काउंटडाउन टाइमर, वेदर नोटिफिकेशन दोनों में ही मिल जाता है। ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट आपको दोनों में मिलता है। 10 मीटर तक की रेंज कंफर्म है यहाँ पे। फाइंड माई फोन, म्यूजिक कंट्रोल और कैमरा शटर बटन आपको अल्ट्रा में मिलता है। रेडमी में आपको फाइंड माई फोन, म्यूजिक कंट्रोल और फ्लैश लाइट का ऑप्शन मिल जाता है। उसी के साथ साथ थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे यहाँ पे बात करेंगे एंड्रॉइड या iOS दोनों से आप पेयर कर सकते हो दोनों ही वॉचेस को, तो यहाँ पे कोई भी इशू नहीं है। आप चाहे आईफोन यूज़ कर रहे हो चाहे आप एंड्रॉइड यूज़र हो, आसानी से आप दोनों ही वॉचेस को पेयर कर सकते हो। और थोड़ा सा आगे बात करें यहाँ पे रेडमी में एक एडेड एडवांटेज मिलता है जो कि है GPS बिल्ट इन है, तो यहाँ पे अल्ट्रा में वो चीज़ मिसिंग है। तो रेडमी का जो GPS है एक्यूरेटली काम करता है, 80% 90% तक एक्यूरेट चला जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के मामले में, तो यहाँ पे दोनों ही वॉचेस ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे स्टटर लैग आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसा मैंने आपको बताया अल्ट्रा से ज़्यादा मेरे को पसंद आया रेडमी का UI जो ज़्यादा स्क्वेरिश फील होता है, ज़्यादा बेटर फील होता है। उसी के साथ साथ सिंगल बटन कंट्रोल मिलता है, बट रेडमी का जो UI और जो बटन है वो मेरे को ज़्यादा बेटर लगा एज़ कम्पेयर टू अल्ट्रा में थोड़ा सा बड़ा बटन मिलता है। तो यहाँ पे बटन का जो साइज़ है वो थोड़ा सा कम है रेडमी में, बट अल्ट्रा में थोड़ा सा बड़ा मिलता है क्योंकि यहाँ पे डिस्प्ले भी बड़ी है, तो ऑलमोस्ट प्रीमियम फील होती है अल्ट्रा, बट रेडमी आपकी थोड़ी सी कहते हैं कंफर्टेबल फील होती है इन हैंड्स। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट दोनों ही सॉफ्टवेयर के मामले में सिमिलर परफॉर्म करती हैं। अब हम बात करेंगे बैटरी बैकअप और चार्जिंग टाइम के बारे में, तो 2 घंटे ऑलमोस्ट दोनों ही वॉचेस लेती हैं फुल चार्ज होने में और 30 से 45 दिन का स्टैंड बाय टाइम प्रोवाइड कर देती हैं। अल्ट्रा में मैं श्योर नहीं हूँ, 320 से लेकर 350 mAh बैटरी का यूज़ करा जा सकता है, रेडमी में 230 mAh बैटरी का यूज़ किया गया है। और यहाँ पे रन टाइम मे बी क्लेम कर सकती है अल्ट्रा 10 दिन तक का,
और रेडमी आपका 9 डेज का रन टाइम क्लेम करती है। आगे बात करें, मैग्नेटिक चार्जिंग मिलता है अल्ट्रा में, और रेडमी में आपको डॉक चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। नीचे की साइड से मैग्नेट कनेक्ट होती है, फिर आप चार्ज कर सकते हो। उसी के साथ साथ यहाँ पे जितने भी नोटिफिकेशन अगर आपने ऑफ कर दिए, ब्लूटूथ को कट डाउन कर दिया, सिर्फ आप टाइम देख रहे हो और सिर्फ एक्टिविटीज़ को ट्रैक कर रहे हो, तो आपकी 6 दिन तक रन कर जाएगी अल्ट्रा। एक्सपेक्टेड है, मैं एकदम कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ। रेडमी की बात करें तो 6 दिन तक रन कर जाएगी विदाउट नोटिफिकेशन, बट अगर आपने सारे के सारे नोटिफिकेशन ऑन कर दी, 24/7 हार्ट रेट भी स्कैन कर रहे हो, नोटिफिकेशन ऑन है आपके इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन सबके, और इसी के साथ साथ आप स्लीप भी मॉनिटर कर रहे हो, तो यहाँ पे 3-4 दिन चल जाएगी रेडमी, और अल्ट्रा चल सकती है 4-5 दिन। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट दोनों ही सिमिलर परफॉर्म करेंगी। अगर मैं कन्फर्म अल्ट्रा का नहीं हूँ तो अभी एज ऑफ नाउ, बट एक्सपेक्टेड के अनुसार यहाँ पे दोनों ही सिमिलर परफॉर्म करती हैं। आगे बात करें मेन फीचर्स की, तो यहाँ पे हार्ट रेट मॉनिटर आपको दोनों में मिल जाता है, और SpO2 लेवल्स का ऑप्शन मिलता है अल्ट्रा में जो रेडमी में मिसिंग है, मे बी सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू लॉन्च कर दे, निकाल दे। स्ट्रेस मॉनिटर का ऑप्शन मिलता है जो कि रेडमी में मिसिंग है, और स्लीप ट्रैकिंग का ऑप्शन मिल जाता है दोनों में ही। कैलरी बर्न स्टेप ट्रैकिंग ऑप्शन मिलता है दोनों में ही। सेडेंटरी रिमाइंडर का ऑप्शन मिल जाता है। PAI हेल्थ असेसमेंट सिस्टम भी आपको मिल जाता है रेडमी में, जो कि अल्ट्रा में मिसिंग है। उसी के साथ साथ ब्रीथ रिलैक्स मोड मिलता है अल्ट्रा में, और रेडमी में GPS बिल्ट इन है जो कि अल्ट्रा में मिसिंग है। आगे स्ट्रैप क्वालिटी की बात करेंगे और लुक्स के बारे में और बिल्ड मटेरियल के बारे में बात भी करेंगे। यहाँ पे अल्ट्रा की बात करें 49 ग्राम्स की अप्रॉक्सीमेटली, मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ। रेडमी की बात करें 35 ग्राम्स की आपको मिल जाती है, और इसी के साथ साथ 20 mm स्ट्रैप साइज रेडमी में यूज़ किया गया, 22 mm स्ट्रैप साइज अल्ट्रा में यूज़ करा जाएगा, मैं कंफर्म हूँ, क्योंकि जो डिस्प्ले साइज है वो बड़ा है। और यहाँ पे आप आफ्टर मार्केट का भी यूज़ कर सकते हो स्ट्रैप। आगे बात करें सिलिकॉन स्ट्रैप मिलता है दोनों में ही, तो ये बहुत अच्छी बात है। स्किन फ्रेंडली मटेरियल का यूज़ किया गया है। एज ऑफ नाउ मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ अल्ट्रा में आपको पॉलीकार्बोनेट का डायल और बैक भी मिलेगा, जो पीछे का जो बैक है वो पॉलीकार्बोनेट का ही मिलेगा। रेडमी में भी आपको डायल और बैक दोनों ही पॉलीकार्बोनेट के मिलते हैं, तो यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी दोनों की सिमिलर ही होने वाली है एज ऑफ नाउ। और आगे बात करें यहाँ पे अगर आपको दोनों में से कोई सी वॉच बाय करनी, तो रेडमी आपकी फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है जो कि 4000 रुपीज़ में, अल्ट्रा अमेजोन पे लॉन्च होगी, और डेफिनेटली इसका मैं डीप डाउन रिव्यू और अनबॉक्सिंग भी लेके आऊँगा आप सभी के लिए। बट मेरे ख्याल से एज ऑफ नाउ 4000 रुपये की लॉन्च हो तो बहुत ही बेटर है, बट 4000 की होगी कि नहीं होगी वो भी नहीं पता है अभी मेरे को, बट अगर 3000 तक की या 3500 रुपये में लॉन्च हो जाए तो और भी अच्छा है। तो यहाँ पे सेम ही प्राइस सेगमेंट है, तो इसीलिए मैं सोचा इसका अनबॉक्सिंग, इसका डीप डाउन रिव्यू करना चाहिए, और अनबॉक्सिंग भी डेफिनेटली आप सभी के लिए लेके आऊँगा। मेरे ख्याल से मैंने सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए हैं। इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।